संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं महेंद्र सिंह अंकल को। महेंद्र सिंह अंकल, प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से एक अवसर मिला है फिर से आप सबसे गुरुजी के बारे में कुछ संगत करूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर हैं गुरुजी की कृपा से। गुरुजी की कृपा से उनके दर्शन मेरे पहले बार हुए थे 1998 में। उस समय मैं सिंगापुर में था, एक्सपैट असाइनमेंट था मेरा। वो भी एक संगत सुना सकता हूं कभी, बड़ी लंबी हो जाएगी संगत वो। 98 दिसंबर में हम लोग इंडिया में छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे, शॉर्ट वेकेशन, और उस समय हम लोग बैंगलोर और मैसूर सिटी वगैरह गए थे। हमारी जो दूसरी बेटी थी उसका शुरू से बचपन से बहुत सीवियर आस्थमा का प्रॉब्लम था। तो ऐसा हुआ करता था कि उसके आस्थमा अटैक काफी फ्रीक्वेंट हुआ करते थे और बहुत बहुत तेज हुआ करते थे। पर हम लोग पेरेंट्स थे, हम लोग को थोड़ा आदत हो गई थी, थोड़ा इंट्यूशन भी था, उसे समय से हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा देते थे तो गुरुजी कृपा से ठीक हो जाता था। परंतु दो तीन बार ऐसा भी हुआ था कि बहुत करीब करीब हम लोग को ऐसा लगा कि शायद वो अब नहीं बचेंगे, परंतु गुरुजी कृपा से ठीक रहा सब। और उस समय वो बेटी बड़ी हो गई थी, करीब मेरे ख्याल से वो 2000 में उसे जाना था कॉलेज बैक टू यूएस। उस समय मैं बहुत परेशान रहता था कि अब हम लोग यहाँ पर हैं, इसके साथ मालूम है जब इसका अटैक होने वाला है, थोड़ा इंट्यूशन रहता है, तुरंत उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल। अगर वो जब कॉलेज जाएगी तो क्या होगा, उसे कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा, कौन समझ पाएगा कि इसका अटैक हो रहा है, पता नहीं कोई आसपास रहेगा भी कि नहीं। तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या उस समय वही थी कि बेटी की तबीयत इतनी खराब रहती है कि कैसे यूएस में पढ़ेगी। तो ऐसा होना था कि जब मैसूर सिटी में हम लोग गए तो वहां भी बहुत सीवियर अटैक हो गया। बेटी का नाम नीतू है, नीतू को, और वहां भी गुरुजी कृपा से बहुत अच्छा डॉक्टर था वहां पे होटल का, तो ठीक हो गया किसी तरह से। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में हमारे चाचा जी को, मिस्टर प्रकाश सिंह, उनसे मिलने गए हम लोग। तो चाचा जी ने कहा कि उनको मालूम था कि बेटी के लिए बहुत परेशान हूं, तो उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा है तो तुमको गुरुजी के यहाँ ले चलूं और गुरुजी की कृपा होगी तो नहीं तो ठीक हो जाएगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि गुरुजी कौन है, परंतु मैं तुरंत तैयार हो गया। इतनी बड़ी समस्या थी, कोई भी उसका हल मिलता, कोई भी सोल्यूशन था तो बहुत ही अच्छा था। चाचा जी ने कहा कि ठीक है, दोपहर को आ जाना, हम लोग चलेंगे। तो चाचा जी उस समय नोएडा में रहते थे और नोएडा से गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट में थे, नियर द बॉर्डर विद गुड़गांव। काफी लंबा सफर था, रास्ते में काफी समय भी लगा, पर मैंने पूछा भी नहीं चाचा जी से गुरुजी कौन है, उन्होंने कुछ बताया भी। जब हम लोग वहां पहुंचे, कार से उतरे, तो चाचा जी के इंस्ट्रक्शन से फॉलो द ड्रिल, मतलब जस्ट डू व्हाट ही इज डूइंग, और अपना कुछ एक आइडिया रहती है। गुरुजी के पास पहुंच गए हैं तो वहां कोई वृद्ध पुरुष होंगे, कुछ सम ओल्ड जेंटलमैन, कोई गेरुआ वस्त्र या सफेद कपड़े में बैठे होंगे और चुपचाप सब वहां पे उनके चारों ओर लोग बैठे होंगे। पर जब वहां गए तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत आश्चर्य हुआ। देखा कि बहुत एक वेरी यंग डैशिंग पर्सन इन वेरी कलरफुल क्लोथ्स बैठे हुए थे सिंहासन पर, चारों ओर बहुत भीड़ लगी थी, तरह तरह के एलीट ऑफ द दिल्ली वाज देयर। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रंग बिरंगे लोग पहन के बैठे हुए थे और बहुत तेजी से म्यूजिक चल रही थी। तो एनीवे हमने कहा ठीक है भाई, अब चाचा जी लेके आए हैं, चाचा जी इज अ नो नॉनसेंस वेरी सिंसियर पर्सन, ठीक ही जगह लेके आए होंगे। तो चाचा जी ने गुरु जी को आगे जाके प्रणाम किया, उनको हम लोगों ने भी फॉलो किया, प्रणाम किया। मैंने जो ही प्रणाम किया, गुरु जी ने कहा अच्छा अशोक आ गया, मेरा घर का नाम अशोक है। मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बता दिया हो गुरु जी को कि आज लेके आएंगे, बाद में पता लगा ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जो भी आता था गुरु जी कृपा ही से उनके पास पहुंचता था और गुरु जी हमेशा उसको अपने नाम से संबोधित किया करते थे। फिर उस समय हमारी श्रीमती जी उषा, वो बताने लगी गुरु जी को नीतू के बारे में। तो गुरु जी ने बड़ी पेशेंटली थोड़ी देर तक सुना, फिर प्यार से कहा हाँ मैं सब जानता हूँ, बैठ जाओ। उसके बाद हम लोग बैठ गए।
थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर इशारा किया और उस समय बहुत भीड़ हुआ करती थी। अब आप लोग जो लोग वहां पे उस समय रहे होंगे 98 मालूम ही है, हॉल पूरी खचाखच भरा रहता था और बैठने की जगह अक्सर एक साथ नहीं मिल पाती थी। तो हम और उषा, हम अलग बैठे हुए थे, उषा नीतू के साथ बैठी थी अलग, चाचा और चाची अलग बैठे हुए थे। तो गुरु जी ने इशारा किया मेरी तरफ, उषा की तरफ, तो हम लोग गुरु जी की तरफ गए नीतू को लेके। और गुरु जी ने कुछ कहा वहां नहीं जाता, बस गुरु जी ने अपना दाया हाथ उठाया और कहा कल्याण किता और कहा बैठ जा। तो फिर हम लोग बैठ गए। फिर से उस समय कार्यक्रम ऐसा होता था गुरु जी की संगत का कि गुरु जी प्रसाद बांटते थे। जब प्रसाद बांटने का समय आता था तो सब लोग बाहर जाते थे और सब लोग लाइन में लगाते थे, लाइन में खड़े होते थे, हम लोग प्रसाद लेते थे, बाहर जाते थे, हाथ धोते थे, फिर आगे बैठते थे। तो जब बाहर जाते थे उस समय थोड़ा आपस में मिक्स होने का समय मिल जाता था बात करने का। जब बाहर गए हम लोग हाथ धोने तो चाचा जी ने पूछा गुरु जी क्या कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने दूर से देखा गुरु जी ने कुछ कहा और वो सुन तो पाए नहीं थे। तो हम लोगों ने बताया गुरु जी ने कहा कल्याण किता। चाचा तो चाचा जी एकदम से खुश हो गए, कहने लगे अरे अब तो नीतू ठीक हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गई, मुझे अविश्वास नहीं हुआ। चाचा जी ने कहा हाँ ठीक हो गई, परंतु वैसे ही हुआ। उसके बाद नीतू कभी भी अस्थमा से सफर नहीं करी, कभी भी, नॉट ए सिंगल अटैक, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और गुरु जी ने क्या किया था, बस अपना दाया हाथ उठाया था, बोला कल्याण किता, बस दैट्स इट। तो गुरु जी ने उस दिन मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको उसको ठीक कर दिया, उसका समाधान कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बाद रेगुलरली जाने लगा। सिंगापुर में था मैं, मैनेजिंग डायरेक्टर था सिंगापुर में अपनी कंपनी के लिए एशिया पैसिफिक का, तो इंडिया भी हमारी टेरिटरी थी, जब भी मन करता था जा सकता। तो अक्सर ही गुरु जी के दर्शन के लिए चला जाता था, हर 2 महीने में, 2.5 महीने में, जैसा मौका मिलता था। और प्रोग्राम मेरा यह रहता था थर्सडे को पहुंच जाता था यूजुअली, और संडे तक रहता था, संडे की रात की फ्लाइट से वापस आ जाता, संडे को सुबह वापस सिंगापुर। तो अगली बार जब मैं गया उसके बाद, तो मैंने कहा चाचा जी को मैं क्यों परेशान करूं कि उनके साथ जाने के लिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो मैंने टैक्सी वाले को बताया कि भाई, मतलब मैंने उसको जितना समझ में आता था मैंने गुरु जी का एम्पायर स्टेट के बारे में मैंने बताया। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने उसे बताया कि मेहरौली गुड़गांवा रोड पर है, वो एक्चुअली दिल्ली गुड़गांवा रोड पर है एम्पायर स्टेट। और मैंने सोचा मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी दिल्ली की ज्योग्राफी के बारे में, मैंने सोचा मेहरौली गुड़गांवा रोड पर, मैंने गलत डायरेक्शन दे दिया, तो वी वर लॉस्ट पूरा। हम मेहरौली से पूरा गुड़गांवा पहुंच गए, कहीं हमें एम्पायर स्टेट नहीं दिखा, फिर वापस आए, कहीं एम्पायर स्टेट नहीं दिखा, समझ में आ गया कि गलत है। तो फिर उस समय चाचा जी ने एक नंबर हमें फोन नंबर दे दिए थे, 2 नंबर थे, कहा कि जब भी अगर कभी कुछ जरूरत हो तो इस फोन नंबर कॉल कर लेना, ये वहाँ संगत का नंबर है। तो मैंने नंबर कॉल किया, तो जिन सज्जन ने उठाया उनसे मैंने बताया कि हम लोग गुरु जी की संगत में आना चाहते हैं, परंतु हम लोग मतलब वी आर लॉस्ट, आप जरा डायरेक्शन दे दीजिए। तो उन्होंने डायरेक्शन दिए, मैंने टैक्सी ड्राइवर को भी फोन दे दिया, उन्होंने अच्छी तरह समझाया। उसके बाद हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच गए एम्पायर स्टेट और बड़ी अच्छी तरह संगत में रहे। जब संगत से निकलने का समय हुआ तो मैंने सोचा कि जिन सज्जन ने इतने अच्छी तरह से क्लियर डायरेक्शन दिए थे उनको जरूर धन्यवाद दे दूं। तो मैंने जहाँ पे सेवादार जो लोग थे उनसे पूछा कि किसी ने मुझे डायरेक्शन दिए थे जब मैंने फोन किया, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, 2 लोगों से मैंने बात करी थी, दोनों लोगों ने कहा यहाँ तो हम लोग का इंस्ट्रक्शंस है कि गुरुजी जो भी कहते हैं, गुरुजी ने कहा है कि जब संगत हो जाए तो उसके बाद कोई फोन नहीं उठाता है, यहाँ फोन तो उठाया ही नहीं जाता है, आपका फोन में तो किसी ने यहाँ बात करी ही नहीं होगी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने बात तो करी थी। पर देखिए लेसन ये है, बाद में समझ में आया कि अगर आपको गुरुजी के यहाँ तक पहुंचना है, आप यू वुड नॉट लूज योर वे, आपको गुरुजी वहां पहुंचा देंगे, ये आपकी सौभाग्य में है गुरुजी तक पहुंचना, वह आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, जब पहली बार जब 28 दिसंबर 1998 में गया था, उसका भी आपको एक बड़ा अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग संगत है आपको सुना दूं। जैसा बताया था कि हम लोग बहुत भीड़ रहती थी, अलग अलग बैठते थे, तो मैं अलग बैठा था
और जैसा आपको बताया कुछ एक्सपेक्टेशन जैसे थे मेरे गुरुजी के बारे में, संगत के बारे में, वैसा एक्सपेक्ट मतलब दैट वाज नॉट ट्रू। बहुत फर्क था वहां पे माहौल, तो आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल। मैं बैठा हुआ था, बगल में एक सज्जन आके बैठ गए, उन्होंने हिंदी में मुझसे बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, मैं अजमेर में रहता हूँ, वैसे जहाँ भी गुरुजी की संगत होती है गुरुजी मेरी वहीं पोस्टिंग करवा देते हैं, तो मैं गुरुजी की संगत अटेंड करता रहता। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा मैं राजपूत रेजिमेंट से। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए ये तो बड़ा अच्छा इसलिए लगा कि हिंदी बोल रहे थे, इतना समझ में आ रही थी मुझे, और ये राजपूत भी थे और आर्मी में भी थे। दीज थ्री थिंग्स वेरी कॉमन टू यू नो आवर फैमिली आवर लाइफ। हम लोग भी हिंदी बोलते हैं, हम लोग राजपूत हैं और फैमिली के बहुत से लोग आर्मी में हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर उन्होंने पूछा कि आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है? जैसा मैंने आपको बताया मैंने चाचा जी से कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने बताया भी नहीं था। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको बताता हूँ, और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। और कोई ऐसी खास बात नहीं बताई जो आपको ऑलरेडी नहीं मालूम होगी। इस तरह की बातें कि गुरुजी को सब कुछ मालूम है, ये फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ भी यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं सब बराबर है गुरुजी को, गुरुजी के लिए हम लोग सब बराबर हैं, और आपको गुरुजी के पास जाके उनको छूने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सिंपल चीजें बता रहे थे और बड़े प्यार से बता रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो जब तक मैं संगत में बैठा रहा, बीच में एक दो बार उठना पड़ा था, जैसा आपको बताया एक बार गुरुजी ने जब बुलाया था और फिर प्रसाद लेने के लिए, अदर देन दैट यू नो ही वाज सिटिंग विद मी ऑल द टाइम। और पता नहीं कैसे, जैसे प्रसाद के बाद में अलग अलग फिर लोग बैठते हैं, फिर भीड़ रहती है, पर फिर भी आके बैठ गए थे हमारे पास, बताते रहे। और इतनी अच्छी तरह इतने प्यार से बता रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुनने में। मैं कोई नई चीज नहीं थी जो सुन रहा था, परंतु इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि दिस इज द बेस्ट सिम्फनी बेस्ट ऑर्केस्ट्रा इन द वर्ल्ड दैट्स प्लेइंग, और ये कभी चुप ना हो। तो बहुत प्यार से बताते रहे और कोई संगत भर सुनता रहा। फिर जब खत्म हो गया तो फिर उनसे फिर आज्ञा लेके उनसे भी आज्ञा लेके चला गया। तो दैट वॉज 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर फिर हम लोग गए, और दोनों दिन एग्जैक्टली द सेम थिंग रिपीटेड। बहुत भीड़ थी, हम लोग अलग अलग बैठे थे, पर पता नहीं कैसे हर बार मेजर ज्ञान सिंह बगल में आके बैठ जाते थे और फिर वो प्यार से बताने लगते थे गुरुजी के बारे में, और कोई नई चीज नहीं बताते थे, पर इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि मन करता था वो चुप ही नहीं होगा, और बड़े प्यार से बताते रहते, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद उन्होंने जब 30 दिसंबर को जब हम लोग वापस आ रहे थे, उन्होंने बाकी हम लोगों से कहा, हमसे मुझसे कहा भी कि आप कल भी यहाँ आइए, गुरु जी के साथ न्यू ईयर मनाएंगे। परंतु उस समय मुझे इतनी ज्यादा अक्ल नहीं थी मैंने कहा नहीं, हम लोग का कुछ और प्रोग्राम है, तो कुछ और प्रोग्राम था तो नहीं आए हम लोग 31 दिसंबर को। बट दैट लेटर ऑन मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैं गया नहीं। और उसका देखिए उसका लेसन ये है जो बाद बहुत मुझे समझ में आया, और ये इसलिए समझ में आया कि जो मेजर ज्ञान सिंह है वो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं उसके बाद रेगुलरली जाता रहता था गुरु जी की संगत में। और जब एक दो साल बीत गए मैंने कहा मेजर ज्ञान सिंह ने बोला था कि हर संगत में आते हैं पर मुझे दिखाई नहीं दिए कभी, तो मैंने फिर सेवादारों से पूछना शुरू किया कि मेजर ज्ञान सिंह यहाँ कौन है। तो किसी को नहीं मालूम था मेजर ज्ञान सिंह है कोई, और मेजर ज्ञान सिंह ने कहा था कि जब भी गुरु जी की संगत होती मैं आता हूँ। तो इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू पुट इट ऑल टुगेदर, परंतु बाद में समझ में आया कि मेजर ज्ञान सिंह तो है ही नहीं, ये गुरु जी की कृपा है कि मन में उत्सुकता थी गुरु जी के बारे में जानने के लिए, तो मेजर ज्ञान सिंह वॉज क्रिएटेड सो आई कुड लर्न अबाउट गुरु जी। लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, अगर आपके मन में बहुत उत्सुकता है गुरु जी के बारे में जानने के लिए तो आप जान जाएंगे, गुरु जी विल मेक श्योर देर अ वे इज क्रिएटेड फॉर यू टू लर्न अबाउट हिम, सो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा 99 और एपिसोड था जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस सबके लिए हम लोग के लिए लेसन है उसमें भी। 99 दिसंबर में एक साल बाद गुरु जी ने एक दिन कहा, संगत में बहुत कम लोग बचे थे उस समय, 10-12 ही लोग रहे होंगे, चाचा जी भी थे, मैं भी था और कुछ और लोग थे। गुरु जी ने कहा चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं। तो मुझे तो उस समय मालूम ही नहीं था बड़े मंदिर क्या होता है। चाचा जी ने कहा कि चलो तुम्हें मैं मेरी कार में चलो, दो कार ले जाने से क्या फायदा, साथ ही चलेंगे, मैं यहाँ छोड़ दूंगा बाद में। मैंने कहा ठीक है।
मैं इनके साथ कार में बैठ गया। तो उस समय जगह रास्ता था इतना लंबा तो नहीं था जितना आज, लंबा तो नहीं था पर टाइम इतना ज्यादा नहीं लगता था जितना आजकल लगता होगा भीड़ के कारण। उस समय सड़क खाली रहती थी पर फिर भी समय तो काफी रहता था वहां से मैं बाय स्टेट से बड़े मंदिर पहुंचने में। और रास्ते भर चाचा जी बहुत नाराज थे, बहुत गुस्सा थे। फिर उन्होंने मैं बताया उसका रीजन यह था कि गुरु जी की संगत में उस दिन एक आईएएस ऑफिसर आई थी जो बहुत करप्ट थी और हमारे चाचा ही वो डायरेक्टर जनरल पुलिस फॉर यूपी एंड डायरेक्टर जनरल पुलिस फॉर आसाम एंड ऑल्सो फॉर बीएसएफ। और उनका बेटा उस समय सीबीआई में था आईजी, उन्हें मालूम रहता था क्या हो रहा है। और उस समय क्या हो रहा था कि उसके अगेंस्ट इनके करप्शन के लिए इंक्वायरी शुरू हो गई थी अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर। और चाचा जी इसलिए नाराज थे कि उन्होंने कहा कि जब भी इसकी इंक्वायरी शुरू होती है ये यहाँ आ जाती है, गुरु जी के पैर दबाती है, गुरु जी के पास बैठती है, गुरु जी की कृपा से सब इंक्वायरी वगैरह खत्म हो जाती है। और इसीलिए चाचा जी बहुत नाराज थे, गुरु जी हर पर कृपा कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि कौन अच्छा है कौन बुरा, यू नो किसका भला करना चाहिए किसका नहीं भला करना चाहिए, हर पर कृपा करते रहते हैं। एनीवे हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए, रात का समय था, हम लोग की कार पहले पहुंच गई थी, गुरुजी की कार थोड़ा देर में पहुंची। हम लोग कार से बाहर निकलकर बाहर खड़े थे, गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गुरुजी की कार आई, गुरुजी निकले, बगल से गुजरे, सुगंध से भरा हुआ था गुरुजी की एकदम वातावरण वहां का। और बस गुरुजी पर करीब 5-10 ही गज दूर होंगे, 5-6 गज एक्चुअली, ओनली 5-6 meters एंड देन टर्न अराउंड एब्रप्टली और मेरे चाचा जी की ओर देख के बड़ी स्टर्नली बोलते हैं, and these are exact words, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर, that's all he said, then he turned around and went into the बड़े मंदिर and we also went in the बड़े। The lesson of course very simple in that, गुरुजी की कृपा देखिए हम सब पर बराबर है, उन्होंने खुद ही समझा दिया। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी पर कृपा ज्यादा है किसी पर कम है, गुरुजी की कृपा सब पर भर है, उनका उनका आशीर्वाद सब पर बरस रहा है, हम सब उनके बच्चे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था उसके बारे में बताता हूँ, कई 2-3 साल बाद वो हुआ था। उस समय मेरा स्केड्यूल हुआ करता था, मैं थर्सडे को जाता था जैसे मैंने बताया गुरुजी की संगत में, और संडे को वापस आता था सिंगापुर। तो सिंगापुर एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी आई थिंक एट द टाइम वॉज 11:15 PM, तो मैं करीब 8:30 बजे संगत से उठ जाता था और एयरपोर्ट की तरफ चला आता था, फिर काफ़ी टाइम रहता था उस समय चेक इन वगैरह करने के लिए, कन्वीनियंटली फ्लाइट बोर्ड हो जाती थी। परंतु एक दिन मेरे मन में आया कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, गुरु जी की कृपा ही से जब उनकी आज्ञा हो तभी मुझे वहां से उठना चाहिए, मैं अपने से उठ के चला जाता हूँ ये ठीक नहीं है। तो उसमें मैं बैठ गया, मैंने कहा कि आज मैं तभी उठूंगा जब गुरु जी उठाएंगे तभी भेजेंगे जब चला जाऊंगा। उस समय मेरे चाचा जी भी थे बगल में बैठे हुए थे थोड़ी, और परिवार के सभी लोग थे, उषा भी थी। तो जैसे जैसे देर होने लगी उस दिन चाचा जी मेरे काफी एंग्शियस हो गए, थोड़ा परेशान थे कि मैं उठ क्यों नहीं रहा हूँ, मेरा प्लेन छूट जाएगा। तो मुझे कहने लगे अब उठो गुरु जी से आज्ञा लो जाओ एयरपोर्ट। तो एक दो बार तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कि मैंने तो आज ठान ली है कि मैं जब गुरु जी कहेंगे तभी जाऊंगा, परंतु फिर उनको इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इज अ फैमिली एल्डर। मैं जब उन्होंने 2-3 बार कहा तो मैं उठ गया गुरुजी की तरफ गया, गुरुजी ने जो ही मैं झुका पैर छूने के लिए गुरुजी कस के हंसने लगे, कहते हैं तेरी फ्लाइट कैंसिल बैठ जा। मैंने गुरुजी को बताया भी नहीं था कि उस दिन जाना था, खैर नहीं मैं पास आके फिर बैठ गया। कहा अच्छा जी क्या, मैंने उनसे बोल दिया कि गुरुजी ने कहा फ्लाइट कैंसिल, वो भी नाउ ही वॉज एट ईज, मैं भी बैठ गया वहां जाके। काफी देर हो गई, गुरु जी ने हाथ इशारा किया मुझे बुलाए, कहते हैं जाओ एयरपोर्ट जाओ। तो मैं बाहर आया तो चाचा जी बाहर आए, उषा भी बाहर आई और परिवार के लोग भी बाहर आए, और इतनी देर हो गई थी कि देर वॉज नो होप दैट आई वुड मेक द फ्लाइट। तो बल्कि चाचा जी ने मुझसे कहा भी कि अब फ्लाइट तो तुम्हें मिस तुम्हारी नहीं मिलेगी, वापस आ जाना यहीं, हम लोग एक साथ विल गो बैक टुगेदर। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन मैं एयरपोर्ट की तरफ जब एयरपोर्ट गया तो दैट वॉज द ओल्ड एयरपोर्ट, आप बहुत लोगों ने देख रखा याद होगा आपको कैसा था, वहां पे 4 गेट्स थे बाहर और काफी भीड़ हुआ करती थी बाहर, छोटा ही सा एयरपोर्ट था।
और उस दिन भी सिचुएशन वॉज नो डिफरेंट, बहुत भीड़ थी, काफी डिसऑर्गेनाइज था एज यूजुअल, केओटिक एनवायरनमेंट। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे एक चीज बड़ी देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इतनी भीड़ है, इतना केओस है, पर मैं जब गेट्स की तरह देख रहा था तो गेट्स में कोई दिख नहीं रहा था, कोई गेट्स पे था ही नहीं। एंड यू नो यू कुड सी आई थिंक टू और थ्री गेट्स एट द सेम टाइम एट दैट टाइम। एनीवे हम लोग गेट नंबर थ्री से अंदर जाते थे, तो गेट नंबर थ्री से मैं अंदर गया, तुरंत अंदर गया क्योंकि वहां पर गेट में कोई था ही नहीं। पूरी मतलब इमेजिन पूरी एयरपोर्ट के बाहर पूरी तरह से खटाखच लोग भरे हुए हैं, इट इज कम्प्लीटली कायोस, टोटली डिसऑर्गेनाइज, भीड़ है, परंतु गेट पर कोई भी नहीं है। एनीवे आई एंटर द गेट, मैंने सामने देखा सिंगापुर एयरलाइंस का वहां पे बोर्ड लगा रहता था, वहां पे उस दिन था नहीं बोर्ड। मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैंने आई टर्न अराउंड, जो वहां पे कॉन्स्टेबल जो पासपोर्ट चेक करते हैं उससे मैंने पूछा कि यहाँ पे तो पासपोर्ट, यहाँ पे तो सिंगापुर एयरलाइंस का साइनेज था, उनका यहाँ काउंटर था, क्या हुआ? उन्होंने कहा देखिए आपको बहुत देर हो गई है, उन्होंने बोर्डिंग बंद कर दी है, पर आप जाइए देख लीजिए, हो सकता है आपको बोर्डिंग पास मिल जाए। आई अप्रोच द काउंटर जहाँ पे साइन नहीं था वैसे उनका, उस समय काउंटर के पीछे जो केविन था वहां से कोई आदमी बाहर से निकल के आया, उन्होंने कहा आप आर यू मिस्टर सिंह? उन्होंने कहा जी। उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। तो बहुत आश्चर्य तो नहीं हुआ क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस यूज टू प्री प्रिंट द बोर्डिंग पासेस फॉर फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास, तो मैंने बोर्डिंग पास ले लिया। उसके बाद मैंने जल्दी से अपना एम्बार्केशन कार्ड भरा और इमिग्रेशन की तरफ गया, और फिर वही सीन, पूरी मतलब एयरपोर्ट भरा हुआ है लोगों से, और जैसे हमेशा होता था लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी इमिग्रेशन पर, 10-15-20 मिनट लग जाते थे आराम से, और ज्यादा भी टाइम लग जाता था इमिग्रेशन ही क्लियर करने में। उस दिन मैंने देखा कि इतनी पूरी तरह से एयरपोर्ट पे लोग भरे हुए हैं, पर इमिग्रेशन में जितने भी काउंटर्स खुले थे, याद नहीं कितने रहे होंगे, 6 रहे होंगे, 7 रहे होंगे, कोई भी नहीं था। All those counters were completely open. Not a single person was standing in front of any of the counters. There was no wait. I could have gone through any of the counters. So anyway, जल्दी से अंदर गया। फिर अंदर गया तो अंदर वहाँ पे उस समय सिक्योरिटी के डोर्स हुआ करते थे। आप लोगों में कुछ लोगों को याद होगा, बड़े ऊंचे से डोर हुआ करते थे, दो डोर्स होते थे, और वहाँ पर भी बहुत टाइम लगता था, बहुत लंबी लाइन रहती थी सिक्योरिटी के लिए। परंतु उस दिन exactly the same thing again is happening. एयरपोर्ट भरा हुआ है अंदर भी पूरी तरह से, सब लोग मतलब इट वॉज टोटली क्राउडेड एज यूजुअल, परंतु सिक्योरिटी गेट्स कंप्लीटली ओपन, दोनों गेट्स पर कोई एक आदमी भी नहीं, एक नॉट अ सिंगल सोल एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ दोस गेट्स, नो वेट एट ऑल। एनीवे आई वॉक थ्रू द गेट वॉकिंग, बेसिकली आई वॉज जस्ट बेसिकली वॉकिंग थ्रू द एयरपोर्ट, देयर वाज नो वेट एनीवेयर। देन आई अप्रोच द गेट, आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड द फ्लाइट, विद इन अ फ्यू मिनट्स उन्होंने फ्लाइट का प्लेन का मतलब दरवाजा बंद किया, देन वी टुक ऑफ। अगले दिन मैंने उषा को कॉल करके बताया कि भाई इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल बोर्डिंग, मैंने डिस्क्राइब किया, मैंने कहा अगली बार जब गुरु जी के यहाँ जाना उनको बता देना। दैट वॉज ऑलरेडी मंडे एनीवे, सो जब थर्सडे को गई तो शी कॉल्ड मी नेक्स्ट डे ऑन फ्राइडे, उन्होंने कहा मुझे गुरु जी को बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, जब मैंने गुरु जी के पैर छुए तो गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं बता अंकल की बोर्डिंग कैसी थी फ्लाइट की। सो सी इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और वैसे हम लोग कहें कि गुरुजी का चमत्कार था, चमत्कार बहुत होते रहते हैं, बट देयर इज अ ब्यूटीफुल लेसन इन देयर, और उसको समझने में मुझे समय लगा। देखिए उस दिन मैं गया था जो, तो विदाउट प्लानिंग फॉर इट, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, टोटली इनएडवर्टेंटली आई सरेंडर्ड टू हिज विशेस, क्योंकि मैंने उस दिन सोच लिया कि मैं जब जाऊंगा यहां से, जब गुरुजी खुद ही बोलेंगे कि जा, तो बेसिकली आई हैड सरेंडर्ड, आई हैड गिवन माईसेल्फ टू हिज केयर, दिस इज व्हाट हैपेंड। आप अगर जब सरेंडर करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये मैं बताना चाहता था आपको। सरेंडर, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट लव हिम, just leave things to him, just do what's required of you, everything else should be left to him, just the lesson as in Gita, karmaṇe karma vādhikāraṣte mā phaleṣu kadāca, leave the outcome to him, just do what you have to do, don't expect anything, everything will be beautiful. आपको एक और एपिसोड सुनाता हूँ। एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा था कुछ करने को, तो अकेला था, वैसे एक सवादार साहब पास में खड़े थे जब उसमें बता रहे थे गुरुजी,
मुझे समझ में ठीक से आया नहीं, मैं पंजाबी समझ नहीं पाता था। और गुरुजी पंजाबी कोई शहर की तो बोलते नहीं थे, वो अपने गांव की पंजाबी बोलते थे डुगरी की, और वो बहुत तेजी से बोलते थे, तो मेरे लिए उनको समझना बहुत बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि ऐसी हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी से फिर से पूछे, गुरुजी समझ में नहीं आया बताइए। बाद में मैंने उन सेवादार से पूछा कि गुरुजी क्या कह रहे थे आप ठीक से बताइए, तो उन्होंने भी अपनी समझ से जैसा उनको समझ में आया होगा, जैसा उन्होंने सुना होगा, उन्होंने बता दिया, तो मैंने वैसा किया। लेटर ऑन आई रियलाइज कि दैट वाज नॉट करेक्ट, मैं खुद ही समझ में आ गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरुजी ने कुछ कहा था मैं कुछ और कर गया। तो एनीवे उसी समय ड्यूरिंग दैट पीरियड गुरुजी ने एक दिन बुलाया अपने पास, कुछ दिन में समय दिया 11 बजे का, ताकि आ जाना। तो मैं गया, गुरुजी अकेले थे, और गुरुजी ने कहा मैं तेरे तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने प्यार से दो चीजें बताई विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लिसन। उन्होंने कहा पहला तो तू किसी और को मेरे अपने बीच में नहीं ला, द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू, प्लीज लिसन अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर मी। नो थर्ड पार्टी शुड बी इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन विद गुरुजी, गुरुजी'स लिंक इज डायरेक्टली बिटवीन ईच वन ऑफ अस एंड हिम, वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिम। उन्होंने उनको मालूम था कि गड़बड़ी सब इसलिए हुई है कि किसी और से मैं पूछ रहा था, उन्हीं से पूछना चाहिए था मुझे जाके। तो उन्होंने कहा किसी और को मेरे अपने बीच में नहीं ला। देन ही गेव मी टू फोन नंबर्स। उन्होंने कहा मेरा एक फोन नंबर गौरव का है, गौरव इज हिज नेफ्यू, आपको मालूम ही होगा शायद। उनका भी एक गौरव का मोबाइल नंबर है, और दूसरा मोबाइल नंबर उनके ड्राइवर का था, उन्होंने नाम बताया मुझे याद नहीं इस समय। मैंने कहा इन दोनों को मैंने बता रखा है कि तेरा जब भी कॉल आए मैं तेरा तुझसे तुरंत बात करूंगा, मैं पाठ में भी बैठा हूं तो मुझे तुझसे बात करनी है। तो वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। गुरु जी क्या कह रहे थे कि मैं जब मेरा जब भी मन हो मैं उनसे फोन करके बात कर सकता हूं, और उसमें कोई मतलब कोई उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, जब भी मैं फोन करूंगा वो मुझसे बात करेंगे। सच अ ब्यूटिफुल लेसन, उसको भी समय लगा थोड़ा समझने में। देखिए गुरु जी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईच वन ऑफ अस, व्हेनेवर वी वांट टू कनेक्ट विद हिम वी कैन, इट इज ओनली अप टू अस। अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, दैट इज ऑन आवर पार्ट, नॉट ऑन द अदर साइड। गुरु जी डोर्स आर ऑलवेज ओपन 24/7, वी कैन अप्रोच हिम एनी टाइम। He said it so clearly. So, फिर से समझिए, आपका जो लिंकेज है गुरु जी से, आपका जो कनेक्शन है गुरु जी से, वो डायरेक्ट है, उसके बीच में किसी को नहीं आना है। आप किसी के थ्रू गुरु के बारे में समझ, गुरु जी के बारे में नहीं समझने की कोशिश करिए। आप किसी के थ्रू ये नहीं समझने की कोशिश करिए गुरु जी क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना है। ये आपको खुद ही करना है सब कुछ। आपका डायरेक्ट लिंकेज है और गुरुजी इज ऑलवेज अवेलेबल, एंड आई विल कम टू दीज टू लेटर ऑन टू, बट बिफोर दैट आई शुड शेयर वन फाइनल एपिसोड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुजी को मैंने कभी सोते नहीं देखा था, और संगत में बहुत देर देर तक हम लोग बैठे रहते थे। हम लोग सिंगापुर से जाते थे तो गुरुजी बहुत देर तक अक्सर बैठाए रहते थे, कभी 2 बज जाते थे, 2:30 बज जाते थे, और कभी कभी मैं देखता था और भी लोग, अभी एक दो लोग और भी बचे रहते थे। और फिर मुझे ये बताया कुछ किसी लोगों ने कि गुरुजी फिर सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में पाठ करते हैं। मैं सोचता था कि हम लोग मतलब यहाँ बैठी संगत बैठी रहती है 2-3, 3:30 बजे तक, और गुरुजी लोग कहते हैं कि 4 बजे से अपना पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो गुरुजी सोते कब है? तो मैं सोचता था गुरुजी सोते भी है कि नहीं, पर हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से पूछने के लिए, चूंकि गुरुजी ने कह रखा था गुरु से कुछ नहीं पूछता, तो मैं पूछा नहीं करता था। पर एक दिन अकेला बैठा था मैं गुरुजी के साथ, मैंने कहा आज मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि बच्चों की तरह मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी। मैंने कहा हो सकता है डांट पड़ जाए, पर इस समय गुरुजी के साथ पास पास कोई है ही नहीं, यहाँ पर मैं अकेला बैठा हूँ तो ठीक है, इट नॉट बी वेरी एम्बैरेसिंग। तो मैंने गुरुजी से धीरे से पूछा, गुरुजी आप कभी सोते हैं? गुरुजी ने इतने प्यार से मुस्कुराए, एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट स्माइल, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट स्माइल मोर देन वंस। इतनी प्यार से, दैट वॉज नॉट ए ह्यूमन स्माइल, दैट मेरे सामने कोई मनुष्य नहीं थे,
That was a purely a divine smile. I cannot describe that. इतना प्यार था उस मुस्कान में. उसके बाद प्यार से गुरुजी बोलते हैं, and these are his exact words. मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? See, it is the reason I'm repeating it as exact words. गुरुजी हमेशा पंजाबी बोलते थे, डुगुरी की पंजाबी. और उस दिन हमने, उस दिन गुरुजी ने exactly ये बोला, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? And I think he did that on purpose because he wanted to make sure I understood. क्योंकि मुझे मालूम था कि पंजाबी में बोलूंगा और मैं ये नहीं समझ में आ गया तो मैं नहीं पूछूंगा उनसे फिर से. उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया वो कौन थे, कौन है. वो शिव जी हैं, स्वयं शिव जी. He is the one who is responsible for creation. He is also the one who is responsible for looking after the whole creation. खुद ही बता दिया उन्होंने, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा. Now that is very important, and I think we should all understand the significance. Guruji Shivji hain, to kyon hai Shivji Guruji ki tarah kyon hai yahan par hamari prithvi par hamare beech mein? Uska dekhiye, uska reason Shiv Purana mein bahut achhi tarah explained hai. Jab Shivji ko jab srishti ki rachna ka man hua unka, to he created Brahma. Brahma ko unhone instruction diya ki now you create srishti. जब ब्रह्मा जी ने बहुत आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर, आप ये पढ़ सकते हैं, यू नो ही फाइनली सक्सीडेड इन क्रिएटिंग एवरीथिंग. एंड उसके बाद उनको इतना खुश हुए, उनका उनका अभिमान हुआ, इतना गर्व हुआ कि ही इवन ग्रू अ फिफ्थ हेड. दैट टाइम शिवजी वाज वेरी इंट्रीग्ड कि इतना इसे किस बात का इतना गर्व है. देन ही एग्जामिन द सृष्टि एंड शिवजी वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एज रिटन इन शिव पुराण. उन्होंने क्या देखा? देखा उन्होंने वायलेंस, ग्रीड, हेट्रेड, ट्रेचरी ऑफ द रॉन्ग थिंग्स, ऑल द रॉन्ग थिंग्स. इतना पाप, इतने दुष्कर्म, इतने अपराध. शिव जी बड़ा उदास हो गया. अब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पता चल गया. उसका भी एक आप पढ़ लीजिए एपिसोड उसके बारे में, किस तरह से पता चला, कैसे काल भैरव ने उनका सर निकाल के फेंक दिया एटसेट्रा. और जब उनको अपनी गलती का पता चला, उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, आप इसे ठीक कर दीजिए. तो शिव जी ने कहा, नहीं, मैं इसे ठीक नहीं करूंगा. मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, ये तुम्हें बनाना था, तो मैं ठीक नहीं करूंगा. और अपने भक्तों के लिए मैं कभी कभी सृष्टि, अपनी सृष्टि पर जाऊंगा और अपने भक्तों पर कृपा करूंगा, उनका कल्याण करूंगा. दिस इज दैट रिटन इन शिव पुराण, यू कैन रीड. तो देखिए, कभी कभी, वंस इन अ वाइल, वेरी रेयरली, लॉर्ड हिमसेल्फ कम्स टू द अर्थ टू टेक केयर ऑफ सम ऑफ हिज भक्त, सम ऑफ हिज डिवोटीज. वो इसलिए नहीं आते हैं कि सबका कल्याण करें, वो इसलिए नहीं आते हैं कि दुनिया उन्हें ठीक करनी है. दुनिया जैसी बनी है, जैसी ब्रह्मा ने बनाई है, वो चल रही है, चलती रहेगी. वो केवल इसलिए आते हैं कि कुछ भक्तों का कल्याण करना है हमें, और कल्याण करने के लिए उनको he is forced to come. क्योंकि ब्रह्मा का जो नियम है, जिसके अनुसार सृष्टि बनी है, ये सब चीजें कर्मानुसार होती हैं, हमारे कर्मों के अनुसार. और हम why are we here on this earth, अपने कर्मों के कारण. हमारे कुछ बहुत से कर्म बचे हैं, जो भी बचे हैं, कम ज्यादा, उनके कारण हमारी सफरिंग बाकी है. We have to suffer in this life. और द प्रॉब्लम इज, एंड एज इट इज स्पेक्युलेटेड बाई ऑल आवर सेजेस, कि ये जो कर्म है, ये हमारे कम नहीं होते हैं और बढ़ते ही रहते हैं. तो लॉर्ड हिमसेल्फ कम्स इन अ ह्यूमन बॉडी एज सदगुरु, एंड देन ही टेक्स हिज कर्म ऑन हिमसेल्फ एंड ही सफर्स फॉर अस, सो ही कैन होल्ड आवर हैंड एंड इट टेक अस टूवर्ड मुक्ति, टूवर्ड मोक्ष. Now this is very important. He comes because he does not violate Brahma's law about karma. You know, aisa nahi ki aashirwad dete hamare sab karma khatam ho jaye. Because then that is a violation of Brahma's law. Hamare karmon ka kya hua? He is forced to come in a human body, and he suffers for us. And jitne aap log us samay Guruji se mile honge, dekha hoga, apne ya to experience kiya hoga directly ya suna hoga. गुरुजी बहुत सफर करते थे,
गुरु जी की हर तरह की दर्द दुख कष्ट रहते थे। मेनी अ टाइम्स आई वाज टोल्ड, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया बट आई वाज टोल्ड दैट ही वाज यू नो वोमिटिंग ब्लड, और इतना पेन रहता था उनको, इतना दुख मतलब इतना कष्ट रहता था उनको कि संगत के बाद आई रिमेम्बर देयर यूज्ड टू बी डॉक्टर फ्रॉम एम्स, बहुत से एम्स के डॉक्टर्स वहां आते थे बहुत से, बट सम ऑफ देम हैव अरेंज्ड फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट टू कम गुरु जी की मालिश करने के लिए। तो देखिए वो हम लोग के लिए आए जो उनके भक्त थे, पता नहीं कौन भक्त हैं ये तो हमें नहीं मालूम, किसी उन्हीं गुरु जी को मालूम है कौन भक्त हैं उनके और कौन लोग केवल उन पर उनसे चीजें चाहते हैं, पर कुछ भक्तों के लिए आए और कुछ भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने इतना सफर किया, इसलिए गुरु जी थे हमारे लिए। अब गुरु जी चले गए हैं, मनुष्य चोला उनका अब नहीं है, पर फिर भी हमारे बीच में है। जितने एक्सपीरियंस गुरु जी के होते थे उस समय, सब एक्सपीरियंसेस अभी भी हो रहे हैं। और उसका गुरु जी हम लोग को खुद ही बता के गए थे, अब सब सबको याद होगा जो लोग गुरु जी के साथ थे उस समय। गुरु जी कहते थे मुझसे बात नहीं किया कर, टेलीपैथी से बात किया कर, जिसको समझने में थोड़ा समय लगा। गुरु जी कहते थे ध्यान किया कर, क्योंकि उस समय संगत का क्या नियम था, हम लोग जाते थे, क्यों जाते थे गुरु जी के यहाँ, गुरु जी ध्यान करवाते थे, वहां पे शब्द चलते रहते थे, हम लोग सब लोग बैठे रहते थे वहां पे प्यार से, और कभी किसी का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हो ना हो, इतना अच्छा मेडिटेशन होता था कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एंड आई थिंक दिस एक्सपीरियंस ऑफ एवरीवन, मोस्ट ऑफ अस हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन, और जब गुरु जी की संगत में जाते थे तो इतना अच्छा मेडिटेशन होता था कि नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब इट। और एक बार तो मैं बड़ा क्यूरियस था, मैंने कहा मेरा मेडिटेशन इतना अच्छा होता है, मैं देखूं और लोग मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये मेडिटेशन इतना अच्छा होता था कि आंखें नहीं खुलती थी। उस दिन मैंने सोचा मैं देखूंगा, आई ओपन माई आईज, फोर्स माई सेल्फ टू ओपन माई आईज एंड लुक्ड अराउंड एंड एवरीवन वाज इन ट्रांस लाइक आई वाज। बहुत ही मतलब द मेडिटेशन वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। तो वही गुरु जी चाहते हैं। उस समय जब गुरु जी शरीर में थे अपने, तो उन्होंने हम लोगों को प्रैक्टिस कराई मेडिटेशन की, वी मस्ट कंटिन्यू, दैट इज द ओनली वे टू रीच गुरु जी। आपको फिर से रिमाइंड करूंगा, गुरु जी के लेसन थे नोबडी शुड बी बिटवीन अस एंड हिम, राइट, एंड ही इज अवेलेबल ओनली थ्रू टेलीपैथी, थ्रू ध्यान। तो आप ध्यान में बैठिए, जितना हो सकता है उतना बैठिए, प्रयास करिए, एफर्ट करिए, करते रहिए, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू गुरु जी, इट इज गारंटीड बाय हिम। सब कुछ हमारे हाथ में, हमारे द मोर एफर्ट वी मेक द मोर सक्सेसफुल वी विल बी, रेस्ट अश्योर्ड ऑफ दैट। और जैसे इस हम लोग का एक ट्रेडिशन हो गया है कि हम लोग संगत करते हैं तो सोचते हैं बहुत से लोग होने चाहिए तब बैठेंगे तब ध्यान होगा, दैट इज नॉट ट्रू। देखिए आपकी संगत, हमारी संगत गुरु जी के साथ है, हमारी संगत भीड़ के साथ नहीं है। तो यू डोंट नीड अ बिग क्राउड, यू डोंट नीड अ बिग गैदरिंग टू डू संगत, आपकी संगत केवल गुरु जी के साथ है। बहुत से लोग हैं फिर भी ठीक है, हर एक की संगत अपनी अपनी डायरेक्ट है गुरु जी के साथ, बट वी डोंट हैव टू वेट टू हैव अ बिग गैदरिंग टू डू संगत विद गुरु जी, वी कैन डू इट एनी टाइम एट अ प्लेस, एनी प्लेस टू वेर इट्स कन्वीनियंट फॉर अस। ऑल वी नीड इज क्वाइट साइलेंस वेर वी आर नॉट डिस्टर्ब्ड, राइट। गुरु जी की फोटो सामने हो तो अच्छा है, नहीं हो तो दिल में तो होनी चाहिए, अगर हो सके तो दिया जला लीजिए, और अगर साइलेंस में नहीं मेडिटेशन कर पा रहे हैं तो शब्द सुनिए जैसा सुनते थे हम लोग। अल्टीमेटली आपको साइलेंस में करना पड़ेगा, परंतु शुरू में शब्द सुनिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, एंड ही इज अवेलेबल। वो बता के गए हैं
उसमें कोई शंका की कोई डाउट की बात ही नहीं है। और मैं इस ध्यान में देखिए, हम लोग बहुत रिचुअल्स बना लेते हैं, दोज आर आवर ओन रिचुअल्स। जैसे हम लोग वी गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू लंगर, लंगर इंपॉर्टेंट है, जब भी मिले तो उसे बहुत रेस्पेक्ट से लीजिए। बट सी, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गुरु जी सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान, इज ओमनीपोटेंट, ही इज नॉट वेटिंग फॉर अस टू ईट लंगर टू ब्लेस अस। अगर उन्हें हमें ब्लेस करना है तो वो वहां बैठे नहीं है चुपचाप सोच रहे हैं कि ये कब जब लंगर खाएगा तब इसे ब्लेस करूंगा। देखिए, हमारा जो पहला एक्सपीरियंस सामने आपको बताया, हम गुरु जी के सामने गए, गुरु जी ने दाहिना हाथ उठाया, कहा कल्याण कित्ता, दैट्स इट। और उस समय लंगर होता भी नहीं था, उस समय शुरू शुरू की बात थी, तो उस समय लंगर के लिए गुरु जी कुछ ही लोगों को रोकते थे। तो लंगर बहुत अच्छी चीज है, आई एम नॉट मेकिंग इट लेस इंपॉर्टेंट, पर आप लंगर पे नहीं जाइए, आप गुरु जी पे जाइए। स्टे फोकस्ड ऑन गुरु जी, नथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स इज अ साइड शो, लंगर इज अ साइड शो, बहुत बड़ा गैदरिंग करना इज अ साइड शो। आपकी संगत खुद डायरेक्टली है गुरु जी से, वेन एवर यू वॉन्ट, हिज डोर्स आर ओपन 24/7। आपको वेट करने की जरूरत नहीं कि बहुत से लोग आएंगे, जब लंगर बनेगा, जब शब्द चलेंगे, जब दरिया बिछेंगी, तब जाके होगा संगत। आपका जब मना है तब संगत करिए। He has told us that. His instructions are very clear. और आप किसी से गुरु जी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करिए। आपको जो भी जानना है आप डायरेक्टली उनसे जानिए और आपको वो बताएंगे। I can assure you of that. आप गुरु जी से ध्यान करिए, समय लगाइए, थोड़ा एफर्ट करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। Have no doubts about it. He's so readily available. वो आप ही का कल्याण करने के लिए आए हैं, don't doubt it. परंतु आपको ये खुद ही सोचना चाहिए कि आप उनके भक्त हैं कि नहीं। केवल आप उनसे कुछ चीजें चाहते हैं, कुछ उनका मतलब अपना कुछ भला करवाना चाहते हैं कि गुरु जी के लिए आप उनके उनके पास हैं। गुरु जी कहते थे, कभी कभी लगता था थोड़ा दुख हो गया, थोड़ा दुख तो नहीं होता था, डिसअपॉइंटमेंट रहता था, भगवान को दुख नहीं हो सकता है, पर उनको डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहता था। कभी कभी अक्सर कहते थे, सब अपना अपना काम करवाने आते हैं, कोई अच्छी चीज के लिए आता ही नहीं। अच्छी चीज क्या है, आई लीव इट टू यू टू डिसाइड, बट आई थिंक अच्छी चीज इज गुरु जी हिमसेल्फ। वी मस्ट अप्रोच हिम फॉर हिम, नॉट फॉर अ बेटर जॉब, फॉर अ बेटर हेल्थ, फॉर अ न्यू हाउस, फॉर हैविंग चिल्ड्रेन और गेटिंग आवर चिल्ड्रेन मैरिड। देखिए, वो हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देख सकते कि हम उदास हैं, हम दुखी हैं, वो सब तो होता ही रहेगा। वो बहुत बड़े मिशन के लिए आए हैं, और इसीलिए कहते थे मांगो मत मानो, राइट? अगर आप उनसे मांगिएगा तो वो दे देंगे, बट देन दैट वुड डिविएट अस फ्रॉम द पैथ वेयर ही वॉन्ट्स अस टू बी, विच इज द शॉर्टेस्ट पैथ टू वेयर ही वॉन्ट्स टू टेक अस। लीव इट टू हिम, हैव फुल फेथ, फुल कॉन्फिडेंस, सरेंडर टू हिम, जस्ट सीक हिम, डोंट सीक एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स विल बी देयर दैट यू वॉन्ट, इवन मोर देन वॉट यू वॉन्ट। केवल बिलीव करिए गुरु जी में और सब छोड़ दीजिए। लंगर के लिए नहीं परेशान होइए, बड़ी गैदरिंग के लिए नहीं परेशान होइए। जब मन चाहे तब संगत करिए, जितना मन हो सके उतना करिए, एफर्ट करिए, एंड जस्ट सीक हिम, डोंट सीक एनी रिजल्ट्स, डोंट सीक बेनिफिट्स, बेनिफिट्स विल हैव, विल कम ऑटोमेटिकली, हैव कम मोर देन व्हाट वी डिजर्व, बिकॉज ही इज ओमनीपोटेंट एंड ही इज ऑल्सो, ही इज ऑल मर्सीफुल, सागर ऑफ मतलब लव एंड कंपैशन, सब कुछ मिलेगा आपको। बट वी मस्ट ऑल्सो फॉलो अ सर्टन रूल्स, जो बता गए थे वो मैं आपके लिए रिपीट करता हूं, आप लोगों सबको मालूम है, इट्स वर्थ रिपीटिंग। पहली बात बता के गए थे कि किसी को किसी का डोंट हार्म एनीवन,
एंड वेरी सिंपल रीजन, यू नो राइट, वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन, वी आर ऑल कनेक्टेड, जैसा हम करेंगे वैसे ही होगा हमारा. सो वॉट एवर वी डू टू अदर्स विल हैपन टू अस, इफ नॉट इमीडिएटली इन ड्यू टाइम, इफ नॉट इन दिस लाइफ, इन नेक्स्ट लाइफ. सो प्लीज डोंट हार्म एनीवन, देन यू आर हार्मिंग योरसेल्फ. और गुरुजी ने जब आपको एक बार बता दिया, जब हमें एक बार बता दिया है, उसके बाद भी हम अगर वो करेंगे, उसका कर्म गुरुजी अपने ऊपर नहीं लेने वाले, बिकॉज देन वी आर मेकिंग दैट मिस्टेक ऑन पर्पस, नोइंग वेरी वेल दैट वी शुड नॉट डू दैट. सो हैविंग फाउंड गुरुजी, अब आप किसी को कष्ट नहीं दीजिए, किसी को दुख नहीं दीजिए, किसी का अपमान नहीं करिए, किसी को आर्थिक हानि नहीं पहुंचाइए. राइट, वी कैन हार्म अदर्स सो मेनी डिफरेंट वेज, डोंट हार्म एनीवन. और गुरुजी बता गए थे, डू एवरीथिंग एज एन ऑफरिंग टू हिम. वेरी सिंपल, अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो कर्म क्रिएट कर रहे हैं, जैसा गीता में भी लिखा हुआ. Do it for him. Just leave, do everything for him. अगर आपको घर बनाना है, आप सोचिए कि आप गुरु जी के लिए घर बना रहे हैं और उस पर गुरु जी की अनुमति से आप रहेंगे. राइट, आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप या बिजनेस चला रहे हैं तो आप सोचिए गुरु जी के लिए चला रहे हैं. यू आर द सीईओ, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यू आर द मेजर शेयर होल्डर, मे बी द ओनली शेयर होल्डर, बट द बिजनेस बिलोंग्स टू हिम. राइट, बच्चों की शादी करनी है तो आप ये सोच लीजिए मैं पूरा एफर्ट करूंगा पर गुरुजी को शादी करवानी है. तो डू एवरीथिंग एज एन ऑफरिंग टू हिम, वो बहुत क्लियरली बता गए थे और डोनेशंस को बहुत प्रिसाइज कर गए, जितना हो सके दो, और हमेशा ऐसे दो कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले. शुड बी टोटली एनोनिमस. Give to the fullest extent. It'll all come back many, many times more. But do it anonymously. Don't get your ego involved. Don't do it to put your name on a big patra somewhere. You know, you donated this much money or whatever for this cause. It should be totally anonymous. Only then the results happen. Agar aap apna naam kahin likhwana chahte hain ki aapne diya to aapka wahi result khatam ho gaya. That is a result. But अगर आप अपना नाम नहीं लिखवाएंगे तो आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होंगे. The donation you give will come back many, many, many times more in so many different ways to you. हम प्रीच नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस ऑल दिस आपको बता रहे हैं. तो प्लीज गुरु जी को सीख हिम डायरेक्टली, उसी में आपका भला है. और देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, विच मे बी नो इट्स नॉट मे बी वर्थ सेइंग, नॉट सेइंग बट आई शुड से इट एनीवे. हम लोग देखिए भगवान की बहुत पूजा करते हैं एंड इट्स डेफिनेटली गुड, पर देखिए हमारी जितनी भी फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, हमारे जितने ऑर्थोडॉक्स यू नो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं सनातन धर्म के, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशिषिका है, पूर्व मीमांसा है, वेदांत है, केवल वेदांत में भगवान का रोल है, ईश्वर का रोल है हमारे कल्याण के लिए, और किसी में नहीं. और हर एक में बेसिकली हमारा जीवन हमारे कर्मों के अनुसार है, एंड ऑफ कोर्स यू नो दे ऑल गिव अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर हाउ टू इंप्रूव आवर सेल्फ एंड डू थिंग्स. सेम विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. जब बुद्ध से पूछा जाता था भगवान के बारे में तो कभी जवाब नहीं देते थे वो ईश्वर के बारे में, जब बहुत ज्यादा पूछते थे तो बता देते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है वो करो ठीक से, तुम्हारा भला उसी में है. तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए भगवान के तो हमें बहुत आस्था रखनी चाहिए, पूजा हमें करते रहना चाहिए, कल्याण के लिए नहीं, इसलिए कि हमें उन्होंने मानव शरीर दिया है, और इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमें सदगुरु दे दिए हैं, इट इज हिज गिफ्ट. सो डोंट रन टू द टेम्पल्स एंड डोंट सीक रिजल्ट्स फ्रॉम टेम्पल्स एंड फ्रॉम गॉड. Just keep thanking him because of him we have this human body and we have our Sadguru. And just stay focused on Sadguru. When Sadguru himself is Shiva and all the Devi Devatas have come from him and he is also Sadguru, then why go anywhere else? Just stay focused.
one single point focus on Guruji, nothing else. So that's what I wanted to share. Don't expect anything from him. Please don't ask him for anything. जो आप मांगेंगे उसका बहुत ज्यादा उसका उसका गलत असर हो सकता है. Because Guruji is going to take us where we need to go to, which is return to him, in the shortest, most efficient path. अगर हम उनसे मांगते रहेंगे बीच बीच में चीजें तो हमारे पैथ गड़बड़ होते रहेंगे, हमें ही देर होगी, हमें ही ज्यादा परेशानी होगी. So leave everything to him, surrender. Just like, you know, I explained to you one day, I said, without realizing, I surrendered and basically walked through the airport. No wait anywhere, nothing. All the paths were clear. So leave everything to him. Just do what needs to be done. Jo aapka kaam hai, aap kariye. If you are a student, you have to work hard. You know, study hard. Just leave everything to him. Our results will be a lot better than you expect. Same with business, same with, you know, working, same with building a house, getting your children married. Leave the health to him. आप अपना ठीक जो अपना रहन सहन ठीक रखिए, जो आपको करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है. Give everything to him. He'll take care of it all. Have full faith in him. Don't get caught up in the shy side show. Just stay focused on him. Give him all the time you can. उनका आप ध्यान करिए जितना हो सके. और किसी को कष्ट नहीं दीजिए, किसी को दुख नहीं दीजिए, किसी का अपमान नहीं करिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाइए. So I think I've shared with you what I learned from Guruji about him. We are all his children. We are all equally blessed. Nobody is better or worse. हम सबको मानव शरीर मिला है उनकी कृपा से. आगे हमारे ऊपर है. अगर हम उन पर पूरा विश्वास करते हैं और उन पे उनके साथ रहते हैं, उनको सब कुछ छोड़ देते हैं, उन पर अपने कर्तव्य अपना करते रहते हैं, एवरीथिंग विल हैपन प्रॉपरली. जस्ट लीव एवरीथिंग टू हिम, बट स्टे फोकस्ड एंड गिव हिम टाइम, एज मच टाइम एज यू कैन. ध्यान करिए उनका, उनको थैंक करते रहिए एवरी मोमेंट. फॉर एवरीथिंग वी हैव ही शुड बी थैंक. जो आप नहीं समझ रहे हैं वो भी उनकी कृपा से है. जो हमारा मानव शरीर है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, इज बिकॉज ऑफ हिम. वी कुड हैव बीन सिक टुडे, वी आर नॉट सिक, राइट? वी आर वेल. We are able to hear. We could have been deaf. We have a car. We have a house. We have children. You know, it's all his blessing. इतने लोग हैं जिनके दिलों पास कार नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो बीमार हैं. So just think about all the blessings we have because of him. Keep thanking him. उनका ध्यान करिए, उनको धन्यवाद देते रहिए, उन पे फोकस रखिए. Leave everything to him. All will be well. और जब आपको गुरुजी मिल जाते हैं तो फिर आपको उसके आगे और कुछ नहीं चाहिए. हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं वो समझा के गए हैं विनय पत्र उसमें. अब भी उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं. एक छोटी सी बुक उन्होंने लिखी है, नाम नहीं याद आ रहा, बट उसमें बड़ी अच्छी तरह समझा के गए हैं कि तीन चीजें दे आर पॉसिबल ओनली विद भगवत कृपा. विवेक चूड़ामणि इज द नेम ऑफ द बुक, विवेक चूड़ामणि. उसमें लिखा है बहुत इन द वेरी बिगनिंग. He writes, three things are possible only with Bhagavad Kripa. These are God's gift. First, our human body. It doesn't happen without his compassion, without his blessing. Second, an spiritual interest. Kuchon bahut kam hi logon ko hota hai. I'm assuming we all have it. That's why we are here together. And third, and the final and ultimate blessing, according to our Adi Guru, is Sadguru himself. Very rarely would one finds, you know, very rare finds Sadguru. अगर हमें मिल गए हमारे सदगुरु तो इसके आगे और कोई ब्लेसिंग है ही नहीं. We have found everything we need. Just keep celebrating. There's nothing more to be found. Now just enjoy life. गुरु जी कहते थे ऐश करो. That's the final word. Those are the final words I want to leave you with. ऐश करिए. उसका समझने मुझे समय लगा. मैं सोचता था गुरु जी ऐश क्यों करवा रहे हैं. मैं सोचता था ऐश कोई खराब चीज होती है. और गुरु जी कहते ऐश क्यों करो? बिकॉज लीव मेक हिम इन चार्ज, लीव थिंग्स टू हिम, एंजॉय लाइफ. देर शुड बी नो वरीज, देर शुड बी नो फियर. वाई?
because he's taking care of it all. Just leave things to him. Ash kariye, enjoy life, just do what's needed and enjoy results which will be many, many, many times more than what you would ever expect. Just stay focused on him. Unka dhyan kariye jitna ho sake. किसी का नुकसान नहीं करिए. जितना हो सके उतना ध्यान कर, उतना दान करते रहिए. और डू एवरीथिंग इज एन ऑफरिंग टू हिम. सो आई हैव शेयर्ड विद यू व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम गुरुजी. आई होप इट्स गोइंग टू बी ऑफ सम यूज टू सम. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए. और बड़े मंदिर को बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, आपसे बात करने के लिए. And I wish you all the best. You have reached the ultimate destination. Just stay focused, have full faith, and make an effort. Keep enjoying. Ash kariye. Thank you so much.